संजोली मस्जिद विवाद पर शिमला में बवाल, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ी प्रदर्शनकारी, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, अवैध मस्जिद निर्माण गिराने की मांग पर अड़े हिंदू संगठन। लखनऊ में भगवान गणेश की मूर्ति पर पत्थरबाजी, दो नाबालिग द्रवियों ने मूर्ति पर फेंका पत्थर, गुजरात के कच्छ में भी गणेश पंडाल पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कच्छ में चार उपद्रवी गिरफ्तार। राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर अमित शाह का अटैक, बोले देश विरोधी बातें राहुल और कांग्रेस की आदत, अब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण को नहीं छू सकता। आरक्षण वाले बयान पर हंगामे के बाद राहुल गांधी की सफाई, बोले मैं आरक्षण का विरोधी नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिका में नए कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे राहुल गांधी, भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इलहान उमर से मुलाकात पर उठ रहे सवाल, बीजेपी बोली कांग्रेस की सोच देश विरोधी, राहुल की मुलाकात इस बात का सबूत। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत दुनिया का 8वां देश जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा भव्य आयोजन, दुनिया को भरोसा देता है आज का भारत। हरियाणा में आज दिग्गजों के नामांकन का दिन, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुडा ने भरा पर्चा, जुलाना से नामांकन से पहले विनेश फोगाट का शक्ति प्रदर्शन। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, दुर्गेश पाठक को 1,00,000 के बॉन्ड पर जमानत। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, दो बच्चे पर हमला, एक की हालत गंभीर, दूसरी भी अस्पताल में भर्ती, लंगड़े भेड़िए की तलाश तेज।